माइकी ओ तो गाइस हम जा रहे हैं अस्सी घाट और भैया से बात करके बहुत मजा आया। भैया बोल के दिखाइए कुछ, क्या बोल रहे हैं? बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए भैया, बनारस आए हैं, पान नहीं खाया तो क्या किया, क्यों है कि नहीं है? और आगे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन भैया फिर भी चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। गंगा आरती होगी वहाँ पे? अभी टाइम है, ऑन टाइम, ऑन टाइम है हम, और महादेव की कृपा रही तो बहुत जल्दी हम देख भी लेंगे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश है। आपको थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए हमने ऑटो लिया, नहीं तो उससे पहले हमारा प्लान पैदल जाने का था। वॉकिंग डिस्टेंस पर हवा क्या, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो पूजा पूर्ण सभी लोग कृपया तो माइकी ने भी लगा लिया है, राकू ने भी लगा लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रसाद का चल रहा है तो लाइन बहुत लंबी है, इसलिए हम तो हम खाना खा के पूजा आरती सब कुछ लेके आप जा रहे हैं अपने रूम पे, जो भी हमें कल सुबह 2 बजे निकलना है, सुबह के 2 बजे इसलिए निकलना है क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है मंदिर में, तो वहाँ और बनारस आए तो पान खाया है थोड़ा सा, जहाँ हमने खाना खाया बनारसी रेस्टोरेंट वो बहुत अच्छा रीजनेबल, बहुत टेस्टी खाना था। हम मिलेंगे कल सुबह। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 5 और हम थोड़ा सा 1 घंटा लेट हैं, 4 बजे निकलना था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए, बट कोई नहीं, पहुंच जाएंगे। ऐसे तक जा रहे हैं, अभी तो कुछ मिलता भी नहीं है, तो अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, जहां पर आज वैसे सोमवार का दिन है, सावन है, बहुत सारे लोग आए होंगे, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और सुबह सुबह सब ने नहा धो लिया है, खाना कुछ भी नहीं खाया क्योंकि नहीं खा सकते थे मंदिर जाने से पहले। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो अभी देखिए वहाँ कितनी भीड़ होती है वो देखेंगे, फिर वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। और गली है, गलियों से जा रहे हैं, जैसे वृंदावन की गलियाँ होती है वैसे ये भी गलियाँ हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता है, और जैसे कि आज सोमवार है तो ऑटो वगैरह नहीं चलते, तो सब लोग पैदल जा रहे हैं। देखिए आ भी रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जल चढ़ा के लोग आए हैं, तो यहाँ से सीधा सीधा पैदल हम जाएंगे 2 किलोमीटर और। और अभी कितना टाइम, कितना और है? 20 मिनट। हाँ, 20 मिनट का रास्ता और है, बाकी बढ़िया है, मौसम अच्छा हो रहा है। तो देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, अगर हम थोड़ा जल्दी आते तो अभी तक शायद आगे पहुँच जाते, लेकिन बहुत लंबी लाइन है पीछे तक। सुबह के अभी 5:30-6 हो रहे हैं। आने वाले जाने वाले कितने सारे लोग, भीड़ में कोई कमी नहीं है, बहुत भीड़ है, आगे भी पीछे भी साइड भी देखिए। और सुबह के सिर्फ अभी 6 ही बजे। आंटी हंस रहे, आंटी आप कहाँ से आए हो? कहाँ से? छपरा से आए आंटी। बहुत ज्यादा भीड़ है। राकू कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो हम दर्शन करके आ गए हैं, अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम अंदर फोन नहीं ले गए, लेकिन दर्शन करके आए, बहुत मजा, बहुत अच्छी वाइब थी, बहुत ही लोग आए हुए हैं, जो कि पीछे भी आपको दिखाएंगे आ गए थे। दर्शन करके आए तो थोड़ा सा भूख भी लग रही थी,
तो भूख लगते ही फिर हमने सोचा कि वैसे गाँव में सब्जी पूड़ी वगैरह खाते हुए बनारस खाए हैं, तो मैं थोड़ा सा करता हूँ कि जिस तरीके जगह जाएँ उस तरीके का खाना खाया जाए। तो हम इस दुकान पर आए हैं अभी और बहुत ही बढ़िया भैया 40 रुपये में दे रहे हैं 40 रुपये में सब्जी पूड़ी, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, जलेबी भी है। भैया कैसी है, कैसी लग रही है आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपनी आलू पूरी आ चुकी है और ये दोनों टेस्ट कर रहे हैं, मैंने थोड़ी सी तोड़ी है लेकिन गर्म बहुत है। कैसी है राकेश? बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया। अभी मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ, मज़ा आ गया कह रहे हैं, बस कह रहे हैं साथ में लस्सी और होती तो मज़ा आ जाता है। गाइस 15-20 घाटों को पार करके पैदल चल के हम यहाँ पहुँचे हैं हरिश्चंद्र घाट, और यहाँ पे अंतिम यात्रा जो है लोगों की ख़त्म हो जाती है, जो अंतिम यात्रा होती है। तो ये जीवन की सच्चाई है और शिव मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि शिव है तो सत्य है। मेरे को लगता है जीवन में सिर्फ दो ही चीज़ें जो सत्य है, एक है मृत्यु और दूसरा शिव, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा उनके क्लोज रहता हूँ और मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है। हेलो गाइस, तो हम वहाँ से दर्शन करके खाना वाना खा के वापस आ गए थे, तो वापस आने के बाद फिर हम सो गए थे क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठे थे और सो के अब उठे हैं, तो 5 बजे हैं शायद से, अब कुछ खाने चलते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज और सर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि हम बहुत ही अजीब टाइम पर सोए थे, सुबह 11 बजे 11 नहीं 12 बजे सोए थे, तो सर में भी दर्द हो रहा है, कुछ खा लेते क्योंकि खाना भी खाए इस वजह से भी हो रहा है। सुबह जल्दी भी उठ गए थे, नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो अब चलते हैं खाना खाने, कुछ खा के आते। माइकी और राकेश पहले ही आगे जा चुके हैं यहाँ पे, फिर कुछ देख रहे हैं कि क्या मिलेगा यहाँ पर। तो खाने की जब भी बात आती है तो हम उल्टा सीधा ही खा रहे हैं, तो अब हम खा रहे हैं बर्गर और पाव भाजी मंगवाई है और ड्राई मंचूरियन हो गया, खा रहे हैं। हाँ मंगवा लिया है, खाने की हिम्मत नहीं है, चटनी है 3, बर्गर का टेस्ट खा के बताएंगे कैसा है, बाकी बढ़िया ही लग रहा है देखने में, तो यहाँ खाना वैसे टेस्टी बहुत काफ़ी है। खाना वाना खाने के बाद मतलब हमने फास्ट फूड ही खाया था वो जो आपने दिखाया था, तो अब हम आगे 80 घाट, तो 80 घाट के बारे में मेरे को अच्छी तरह चाहिए कि रांझा मूवी की शूटिंग ऑलमोस्ट यहीं पर हुई है सारी की सारी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टेडियम और ये मंदिर और ये दोनों भी दिख रहे हैं, ये यहाँ से जो है सोनम चल के आती है और ये पूरा का पूरा मार्केट है, इस मार्केट में गाना शूट हुआ है और इधर भी एक गली है, उस गली में भी एक सॉन्ग शूट हुआ है, ये वो मंदिर, तो यहाँ पे उसका एक सीन है और जिसके पास से वो जंप कराता है अपने स्कूटर को गंगा रिवर में, तो ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद हमने निकलना है क्योंकि हमारी 9 बजे की बस है, अब हम चलते हैं क्योंकि 2 दिन के लिए आए थे और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और आया और अब आगे मिलते हैं। तो अब हम आ गए रूम पे और रूम पे आने के बाद हमने पैकिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि वैसे ऑलमोस्ट सब पैक ही था और हम थोड़ा बहुत ही लेके आए थे सामान भी, 2-2 जोड़ी या 3-3 जोड़ी कपड़े लेके आए थे, तो सामान पैक हो गया है। 9 बजे की हमारी बस है और अभी टाइम 8 बजे है, तो इतना आधा पौना घंटा लगेगा क्योंकि जाम है बहुत, आज मंडे है, सावन है और विश्वनाथ टेम्पल है, तो सब कुछ बहुत लोग आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, और कहते हैं हमने खाना खाया यहाँ पर, खाने के लिए 100 मार्क्स है, चाहे आप स्ट्रीट फूड खा लो चाहे अच्छे से रेस्टोरेंट में खा के देख लो, अभी स्ट्रीट फूड जाकर चलो हमारे रेस्टोरेंट जो ऑलमोस्ट अच्छे ही होते हैं, तो बहुत ही टेस्ट था खाने में, बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आया। और रूम की हालत दिखाते हैं आपको, ये देखिए ऐसा थोड़ा सा रूम कर दिया है, और रूम भी हमारा कोई ऐसा मतलब बहुत हमने वैसा नहीं लिया क्योंकि हमने 4 ही घंटे सिर्फ यहाँ पे रहना था सोने के लिए, क्योंकि सुबह तो हम वहाँ निकल गए थे तो इसके लिए लिया, और 1600 रुपये में रूम था, बहुत अच्छा 550 रुपये पर बंदा आया तो, लेकिन बहुत बढ़िया रूम था, सब ठीक है बढ़िया है, तो बढ़िया लगा यहाँ पर। तो गाइस हम यहाँ से अब जा रहे हैं और अंकल है यहाँ पर बहुत बढ़िया, अंकल हमें कुछ पैसे देने वाले हैं, जैसे घर से जाते हैं तो बड़े लोग बच्चों को पैसे देते हैं, दे रहे हैं पैसे हमें कितने भैया का चेहरे देख के लग रहे जाएगा, ये देखो पता नहीं क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया, गजब बेइज्जती है। भैया ने एक चीज और बताई है, भैया आंध्र प्रदेश से हैं? नहीं मैं वाराणसी का हूँ। वाराणसी के हैं ये, और यहाँ पे भाषा पर लिखी होगी कौन सी है वो, मलयालम तेलुगु तेलुगु, तो आप जब भी आएंगे वाराणसी तो आपको पता चलेगा कि हिंदी इंग्लिश के अलावा भी
एक लैंग्वेज लिखी हुई है तेलुगु, है ना, तेलुगु लिखा। और देखिए हम आए वाराणसी हैं, भैया वाराणसी हैं, और गाना देखिए मस्त भोजपुरी चला के रखते हैं, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भोजपुरी गाना चला के रखते हैं हर टाइम। तो बिहार भोजपुर से, भोजपुर कह रहा हूँ, बिहार यूपी से जो भी है उनको शॉर्ट आउट, बहुत बढ़िया। ओके अब हम चलते हैं, अब आगे से ऑटो लेना है, फिर वहाँ से जाएंगे अपने घर। बनारसिया राकेश खा रहा पान मीठा, तू भी खाएगा, एक माइकी भी खाएगा, भैया 3 मीटर पान लगा दो, कितने का एक पान? 20 रुपये। ओके 20 रुपये का पान, बहुत बढ़िया। बनारस आए तो पान नहीं खाए तो क्या बात हुई, सही बात है, खाई के पान बनारस वाला, इसका ताला खुल जाएगा, सारे ताले जितने भी हैं इसके सब खोल देंगे आज। तो माइकी ने पान खा लिया है, माइकी कैसा लगा पान का टेस्ट? एक नंबर, तू खा के दिखा, मेरी वीडियो बना साथ के साथ, तेरी वीडियो बनेगी, जल्दी खा, बनाता रहना। तो अब राघव खा रहा है पान, मीठे खाई का पान बनारस वाला। तो हेलो गाइस, जब हम जा रहे हैं बस की तरफ, लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, कोई भी ऑटो वाला नहीं मिल रहा था, तो भैया हमें मिले, तो भैया को हमने बोला कि भैया मैं छोड़ दो वहाँ तक, तो भैया भी रेट बहुत ज़्यादा बता रहे थे, तो भैया ने भी वही बात बोली कि आप पैसा मत देना, आपको हम छोड़ देते हैं अगर आपका बस लेट हो रहा है तो। कोई गाड़ी वाले नहीं जोड़ देते कोई गाड़ी वाला नहीं जोड़ देता, लेकिन भैया ने जोड़ा है बनारस के पान से। हाँ एक पान खिलाया भैया को, बस एक पान, क्या बात है, मज़ा आया। तो मैं पहुंच गया हूँ घर, और जैसे कि मैं वहाँ पे रिक्शा वाले भैया के साथ था, उसके बाद हमारे जगह तो वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, बारिश होने के बाद हमें फटाफट बस में चढ़ना पड़ा, उसके बाद फिर फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम थी तो इसलिए फ़ोन भी डेड हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा वेलकम किसने कराया घर में, और यही है सिर्फ घर पर, और कोई नहीं है अभी फिलहाल। तो एक घंटा हो गया मुझे आए हुए, तो मैं नहा धो के फ्रेशन अप हो गया हूँ, अब नाश्ता करते हैं और इसके बाद मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें, हर हर महादेव लिख दें सारे के सारे, और मेरे को बहुत मज़ा आया, आपको कैसा लगा वो भी आप बताएं ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, इसके बाद बहुत जल्दी और ज़्यादा मज़ेदार ब्लॉग आने वाले हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।